सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखोदा रहा चैंपियन। सीबीएसई नॉर्थ जोन सेकंड बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि 22 से 25 दिसंबर 2022 को प्रताप स्कूल खरखोदा में संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री विनेश ओलंपियन जयवीर सिंह, पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा सरकार एमएलए खरखोदा, जिला सोनीपत अध्यक्ष भाजपा तीरथ राणा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, जिला खेल अधिकारी शर्मिला राठी रहीं। विशिष्ट अतिथि डीएसपी हरियाणा पुलिस प्रदीप खत्री, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पदक विजेता सोमवीर राठी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान देवेंद्र दहिया, सीनियर कुश्ती कोच हरियाणा खेल विभाग एवं चिराग मान चौकी धाणी गन्नौर रहे। प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखोदा ओवरऑल चैंपियन रहा। अंडर 17 लड़कियों में साक्षी प्रताप स्कूल को बेस्ट बॉक्सर, बेस्ट चैलेंजर नैसी टीएसपीएस सोनीपत रही। अंडर 19 लड़कों में बेस्ट बॉक्सर प्रिंस प्रताप स्कूल, बेस्ट चैलेंजर गर्व पीएमएलएस चंडीगढ़, बेस्ट राइजिंग स्टार अक्षित कादियान एलएएसएस सोनीपत रहा। अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में 8 पॉइंट के साथ प्रताप स्कूल खरखोदा चैंपियन, 7 पॉइंट के साथ रनर अप एमआरजीएस रोहतक। अंडर 19 लड़कों में प्रताप स्कूल खरखोदा चैंपियन, रनर अप पीएमएलएसडी चंडीगढ़। अंडर 17 लड़कियों में प्रताप स्कूल खरखोदा चैंपियन, रनर अप एससीएस सोनीपत रहे। बेस्ट रेफरी अनिल आर्य व बेस्ट जज राकेश गुलिया सोनीपत रही। कन्या कॉलेज खरखोदा एवं चौधरी प्रताप सिंह शिक्षा समिति के प्रधान वेद प्रकाश पहलवान, द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया व प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने बूके भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को समृति चिन्ह देकर धन्यवाद किया। तीरथ राणा ने बताया कि वे सैम और विनेश यहीं के कुश्ती के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट और सैकड़ों में इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं और विनेश फोगाट भी स्कूल की स्टूडेंट रही है और मैं भी स्कूल का खुद स्टूडेंट रहा हूं। हम यहाँ पढ़े भी हैं और खेले भी हैं, तो मैं इस संस्था का बधाई देता हूं। इस संस्था ने एक छोटी संस्था के रूप में शुरुआत की और आज यहाँ से हजारों खिलाड़ी नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनल निकले हैं। यहाँ से पढ़ाई की बात हो या खेल की बात हो, मेरे हरियाणा में और सोनीपत की बात हो, प्रथम स्थान रहता है स्कूल का, चाहे खेल की बात हो चाहे पढ़ाई की बात। हरियाणा को खेलों का हब माना जाता है, खेलों में हरियाणा एक नंबर पर है। जब हरियाणा की बात आती है तो सोनीपत का जिक्र आता है कि सोनीपत एक नंबर पर है। जब सोनीपत की बात आती है तो मेरे प्रताप स्कूल का नाम आता है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस चीज की भी इस संस्था को जरूरत हो, आप पहले भी सहयोग करती आई हैं और आगे भी जो स्कूल में खेल के प्रति कोचिज या खेल सामग्री की जो भी जरूरत हो, मैं भी सहयोग करूंगा और आप भी, मेरे से भी ज़्यादा आपका बनता, क्योंकि आप सोनीपत जिले की डीएसओ हैं, खेल अधिकारी हैं, तो आपने हर बच्चों का, हर संस्थाओं का ध्यान रखने का कर्तव्य। मैं प्रार्थना करूंगा बहन जी, आप इस तरह से स्कूल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम भी स्कूल के स्टूडेंट हैं और यहीं रहे हैं, तो मेरी आपसे विशेष प्रार्थना रहेगी। विधायक जयवीर ने बताया कि प्रताप स्कूल की पहचान शिक्षा, संस्कार एवं खेलों में विश्व स्तर पर है, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। प्रताप स्कूल में आज बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुई, इसमें मैं आप सबको, हमारे कोचेस, हमारे स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी मैं यहाँ आज हमारे गौरव विनेश फोगाट जी और सभी माननीय गणमान्य हमारे स्पोर्ट्स अधिकारी, जिला स्पोर्ट्स अधिकारी, इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना और साथ ही आगे आने वाला नववर्ष की भी सभी को हार्दिक प्रीति की तरह से बधाई देता हूँ। प्रताप स्कूल का ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया है या हर चीज़ का ख्याल रखता है, रखा जाता है, स्पोर्ट्स का भी, एजुकेशन का भी। और अच्छे बच्चे जो कि उम्मीद होती है, बच्चे अच्छे मेडल लेते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की बारीकी से परखी जाती है और प्रखर के ही खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। हमारी भी यही भावना थी, हमने हमेशा कोशिश की, क्योंकि
कुछ वर्षों पहले खेलों को इतना बढ़ावा नहीं होता था, लेकिन अब गौरव है मुझे इस बात का सपोर्ट के हमारे खिलाड़ियों का कि कहीं कोई भी गेम हो उसमें हरियाणा प्रवन के रहता है। हमारे खिलाड़ियों को इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये कोशिश जारी रखेंगे। वैसे तो चार पांच दिन से हमारे प्यारे खिलाड़ी बहुत ज्ञान की बातें हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा सुनते ही रहे हैं और आज मैं भी अपने लिमिट से विचार इन खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दूंगी और मैं यही सुजेस्ट करूंगी कि आप सभी खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं वो अपना एक लक्ष्य लेकर, आपने किस लक्ष्य पे पहुंचना, आपका क्या टारगेट है, क्या गोल है आपका, अपनी मेहनत करें, आप ईमानदार रहें अपने लक्ष्य के प्रति, अपना जो आपके पेरेंट्स हैं उनके प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने कोचिज के प्रति बड़ी ईमानदारी के साथ आप मेहनत करें। एक जो सफलता है जिंदगी में, सफलता के लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी, ईमानदारी के साथ आप मेहनत करें। प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथिगण, सभी प्रशिक्षकों, टीम मैनेजमेंट, CBSE ऑब्जर्वर, सभी खिलाड़ियों, NCC कैडेट्स, NSS वॉलंटियर्स व स्टाफ सदस्यों को धन्यवाद किया।